नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार जैन है। IAS स्टडी ट्रिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और हिंदी के भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है IAS स्टडी ट्रिक, जो कि हमारे चैनल का नाम है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका उत्तर है मन का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकी शब्द का अभिप्राय है, तो इसका उत्तर है आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगस शब्द का अभिप्राय है, तो इसका उत्तर है विज्ञान। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है, तो इसका उत्तर है व्यवहार का विज्ञान, जो है मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो इसका उत्तर है बुंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका उत्तर है जैविक कारक और वातावरणीय कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो इसका उत्तर है बाल विकास के ज्ञान में जो है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, तो इसका उत्तर है फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, अह मत है या अह कथन है, अह कथन जो है वो है बार्सन साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है, तो इसका उत्तर है बालक के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, तो इसका उत्तर है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में संवेगों का क्या महत्व है, तो इसका उत्तर है बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, कह का संवेगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक चेतन रूप से सीखने का प्रयास करता है, तो इसका उत्तर है अनुकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, तो इसका उत्तर है अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का अभिप्राय है, तो इसका उत्तर है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, तो इसका उत्तर है जन्म से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है, तो यह कथन है रायवर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो इसका उत्तर है प्रेरणा एवं पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक प्रक्रिया है, तो इसका उत्तर है निरंतर चलने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो इसका उत्तर है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चारित्रिक विकास का प्रतीक है, तो इसका उत्तर है उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं, तो इसका उत्तर है उत्पत्ति मूलक विधि, जो है विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह हैं जैविक और सामाजिक, जैविक कारक हैं और सामाजिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े बल तथा तनाव तूफान एवं विरोध की अवस्था है, कथन किसका है, तो इसका उत्तर है स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े तनाव और तूफान की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के सूच के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया, तो इसका उत्तर है चिंपोजी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल माना गया है, तो इसका उत्तर है किशोरावस्था को, बालकों के विकास की सबसे कठोर जो अवस्था मानी गई वो मानी गई किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं, तो इसका उत्तर है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, अहमत है, तो इसका उत्तर है अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है, तो इसका उत्तर है बहुर्मुखी व्यक्तित्व होता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, तो इसका उत्तर है सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोल्सन शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर क्रिया से बना है, जिसका तात्पर्य है परिपक्वता का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन है जेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो इसका उत्तर है परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है, यह कथन है, तो यह कथन है रास महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो इसका उत्तर है वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास की किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो इसका उत्तर है किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन
दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो इसका उत्तर है 11 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक कौन सा है? तो इसका उत्तर है क्रीड़ा स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वह है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका उत्तर है बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका उत्तर है उपभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इसका उत्तर है अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो इसका उत्तर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाती किस उपभाषा की बोली है? तो इसका उत्तर है राजस्थानी भाषा की जो है बोली है मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमायनू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो इसका उत्तर है पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो इसका उत्तर है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी उत्तर भारत के कितने राज्यों की भाषा है? तो इसका उत्तर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो इसका उत्तर है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा का तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है शासन प्रशासन की भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका उत्तर है देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की है? तो इसका उत्तर है तमिल, कन्नड़ और मलयालम जो भाषा है वो द्रविड़ परिवार की भाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलयालम भाषा का क्षेत्र है? तो इसका उत्तर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का मूल आधार क्या है? तो इसका उत्तर है खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग और किस अध्याय में है? तो इसका उत्तर है भाग 17 और अध्याय 1 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा मथुरा की बोली क्या है? तो इसका उत्तर है ब्रजभाषा जो है आगरा और मथुरा की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसंख्यक लोगों की भाषा को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो इसका उत्तर है आचार्य विश्वनाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दार्थो सहितौ काव्यम किसका काव्य लक्षण है? तो इसका उत्तर है भामह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधरा किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका उत्तर है खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धराज नामक खंड काव्य की रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है मैत्रीचरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्रिका की रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है केशवदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य की रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है मैत्रीचरण गुप्त। नेक्स्ट है, युत्सा का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है युद्ध की इच्छा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुमुक्षु का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है मोक्ष की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकमल में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर है कर्मधारय समास जो है नीलकमल में कर्मधारय समास है क्योंकि दोनों पद प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में समास के कितने भेद हैं? तो इसका उत्तर है 6 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? तो इसका उत्तर है बिने और साइमन महोदय ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। स्वधारणा अभिप्रेरक है? तो इसका उत्तर है चेतावनी पूर्ण आंतरिक धारणा। तो दोस्तों, हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, एक निवेदन आपसे है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। जय हिंद।